और नियम बहुत आसान है, आप वो खाएं जो भगवान ने आपको दिया है, और आपका शरीर वही अच्छी तरह से अलाउ करता है, एक्सेप्ट करता है, और वही आपका खाना है, और आप बिल्कुल सही रहेंगे। विटामिन D3 के बारे में, और आप सब लोग कमरों में बंद रहते हैं सारा दिन, सूर्य नहीं देख पाते आप, सूरज की रोशनी नहीं ले पाते, और विटामिन डी जो कोई भी किसी भी तरह का विटामिन डी हो वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से आता है। तो उसका सबसे आसान काम है जो डॉक्टर्स को करना चाहिए वो ये कि आप जाइए और रूम से बाहर जाइए और बैठिए धूप में, आधा घंटा बैठिए, यही सोल्यूशन होना चाहिए। और इसके इसकी जगह वो क्या कर रहे हैं, वो विटामिन डी की टेबलेट्स लिख रहे हैं आपको, अलग अलग तरह की टेबलेट्स लिख रहे हैं। और आप बताइए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीका क्या है कि जाइए और सूर्य में खड़े होइए, सूरज में खड़े होइए, या आपको दवाइयां दें, आप बताइए। आपका सिस्टम शायद आपको अलाउ ना करे जिस तरह से आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन हमारी हमने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, हम अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हो गए हैं। चलिए उस बारे में बात करते हैं कि जहां पर सूरज होता ही नहीं है, बहुत कम है, और वो लोग क्या करते हैं, और क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और हम वही करें। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मशरूम्स को सुखाया सूर्य में, सूरज की धूप में, और हफ्ते में एक बार या दो बार उनको वो खाते हैं। तो विटामिन डी जो है वो बहुत सारी मात्रा में वो ड्राइड मशरूम के अंदर, सूखे मशरूम के अंदर वो आ जाता है। तो जब आपने फ्रेश मशरूम लिए और आपने उनको जब सूरज की धूप में सुखाया तो उसके अंदर विटामिन डी आ गया। और यही हमारे शरीर में भी होता है, जब आप हमारे कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं धूप में, तो वो विटामिन डी बन जाता है। तो उसका बेसिस क्या है कि कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए और कुछ स्टेप्स के बाद वो विटामिन डी बन जाता है, और यही मशरूम्स में होता है। 2 दिन आप उसको धूप में रखिए, वो सूख जाएगा और विटामिन डी बन जाएगा। उसके बाद आप उसको एक कांच के या सिरेमिक जार में या मिट्टी के बर्तन में आप उसको रख सकते हैं, स्टील वगैरह में मत रखिए आप उसको, स्टील वगैरह के साथ रिएक्शंस हो जाती हैं अलग तरह की, तो आप उसको मत रखिए। और उसको आप लाइए, पानी में 3-4 घंटे भिगोइए, वो पानी को सोख लेगा लेकिन विटामिन डी उसके अंदर रहता है। और आप उसको जैसे भी खाना चाहे खा सकते हैं, सांभर बनाइए, सूप बनाइए, जैसे भी आप खाना चाहे आप उसको खाइए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो पूरे दुनिया में, हम पूरे भारत में अलग अलग तरह की मशरूम्स हैं, 180 तरह के मशरूम्स हैं जो आप खा सकते हैं, बहुत तरह के मशरूम्स हैं, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, सब जगह अलग अलग तरह की मशरूम्स मिलती हैं खाने के लिए। तो डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, वो आपको सिर्फ यही बताएं कि जाओ और कुछ मशरूम तो सुखाइए और खाइए। तो थोड़ी सी आपको जानकारी से ही आपको इतनी अच्छी, इतना अच्छा फायदा हो सकता है। और सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल आसान सोल्यूशन होना चाहिए, परंतु हमने उसको बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है, बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया है। ओ अच्छा, आपको ये दवाई ले लीजिए, ये इससे दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी। और हम जो है, जो नेचुरल तरीके हैं उनसे हम हट के हम दूसरे तरीकों की तरफ आ गए हैं। तो कोई भी मशरूम ले सकता है, कोई भी मशरूम, जब भी बरसात होती है बहुत सारे मशरूम हो जाते हैं, लेकिन कोई मशरूम खाता ही नहीं है, सब फेंक दिए जाते हैं, ढंग से उनको हार्वेस्ट भी नहीं किया जाता, इकट्ठा भी नहीं किया जाता। तो सबको पता है कि विटामिन डी जो है इस तरह इससे मिल सकता है, और नेचर ने, प्रकृति ने हमें ये सारा कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, सब कुछ हमारे सामने है, किसी को भी विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए।